हेलो एवरीवन, हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं या फिर एडजॉइंट मेथड क्या है और डिटरमिनेंट्स की हेल्प से आप ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि जब क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है और वहाँ से आपको ए इनवर्स कैसे निकालना है, और ये एम पी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में ए इनवर्स वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास a इज इक्वल टू 2, 3, -1, 0, देन प्रूव दैट। सबसे पहले प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस 2a + 3i इज इक्वल टू कितना, 0 है, एंड फाइंड a इनवर्स। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका a इनवर्स निकालना है। तो पहले अपन प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को हम a इनवर्स पर लेकर जाएंगे। प्रूफ करने के लिए पहले देखें कि ये बोल रहा है कि a का स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। क्या आएगा मैट्रिक्स में, 2, 3, -1, 0, इसी का मल्टीप्लाई इसी से कर दो आप, 2, -1, 3 और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का रूल, रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉलम से। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2 से 2 into 2 + 3 into -1, इसी रो का सेकंड वाले से कर दीजिए तो 2 का 3 से होगा 2 into 3 और 3 का 0 से 3 into 0। ठीक है, कंप्लीट हमारा फर्स्ट रो। इसी तरह से अब हम सेकंड रो का करेंगे, मैं यहाँ पे इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ। सेकंड का करेंगे तो -1 का 2 से -1 into 2 + 0 का -1 से। ठीक है, कंप्लीट। सेकंड के लिए करें तो -1 का 3 से -1 into 3 + 0 into 0। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 -3 2 3 ज़ा 6 और 3 into 0 तो 0 ही हो गया, -1 into 2 -2 और 0 into -1, ये भी 0, यहाँ से आ गया -3। तो हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 4 -3 = 1 -2 और 6 -3। ये आप याद रखना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, इस इक्वेशन में रखने में काम में आएगा, मैं इसको अलग लिख देता हूँ यहाँ पर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना मिला है, 1 -2 6 और -3 मिला है, ये हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, करते हैं इक्वेशन में, और इक्वेशन में रख के इसको कितना लेकर आते हैं, 0 लेकर आते हैं। चलिए इक्वेशन क्या बोल रहा है, वो ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3i इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर आपके पास कितना है, ए स्क्वायर आपने अभी निकाला, ये है 1 6 1 6 -2 और -3 -2a, a मतलब गिवन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2 3 -1 0 + 3 i बोल रहा है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके लिए, 2 × 2 के लिए। तो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 and 1 होगा, इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, हमको 0 के इक्वल में 0 ही लेकर आना है। ये होगा 1 6 -2 और -3। चलिए एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 से करेंगे 4 2 का -1 से करेंगे तो -2 2 3 ज़ा 6 और 2 into 0 0 प्लस का 3 का अंदर करेंगे तो 3 0 0 and 3 इज इक्वल टू 0। चलिए फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड कर दीजिए, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 3, कितना आएगा, 1 -4 + 3, पहला एलिमेंट कंप्लीट। दूसरे पर जाएं तो 6, यहाँ पे सिंबल क्या है, -6 6 -6 + 0। नेक्स्ट है -2 -2, देन ये माइनस और ये माइनस, टोटल क्या बना, ++2, और थर्ड में कितना लिखा है, +0 लिखा हुआ है। इसी तरह से -3 ये माइनस, देन 0 -0 और +3, ये होगा +3। ठीक है, अब इक्वल टू में 0 लेकर आना है, तो ये माइनस का
यहाँ से देखो 4 माइनस वन कितना बचेगा, 3 बचेगा, और चूंकि बड़ा नंबर आपका प्लस माइनस, इसलिए माइनस का 3 प्लस का 3। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो ये 0 0 एंड 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। और ये भी आपका माइनस 3 से प्लस 3 भी कैंसिल, 0 0 0 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट साइड पे भी 0 है तो इसको 0 मैट्रिक्स मान सकते हैं, ये भी होगा 0 0। मतलब आपका जो एल एच एस है वो किसके इक्वल में आ गया, आर एच एस के इक्वल में आ गया, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन को भी आधा ही सॉल्व किया है, देन प्रूफ दैट, ये पूरा हमारा प्रूफ हो चुका है। अब बोल रहा है वो कि आप ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब आगे जो इक्वेशन है उसको आप लेकर चलें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वेयर माइनस का 2a प्लस का 3i इज इक्वल टू 0। इसमें आपको जिसको a इनवर्स बनाना है, तो a इनवर्स बनाने के लिए आपके पास लिखा हुआ है ओनली a की पावर 1, इसको a इनवर्स आप कब लिख सकते हो, या फिर 1 अपॉन a की पावर अगर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो a इनवर्स कब बनेगा, जबकि ऊपर जाए, तो क्या बना, a इनवर्स। तो a इनवर्स बनाने के लिए हम क्या करें, पूरे इक्वेशन में a से कर देते हैं डिवाइड, तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर अपॉन में ए माइनस का 2a अपॉन में ए प्लस का 3i अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। ए के से ए के कैंसिल, ए माइनस ए से ए कैंसिल, कितना बचा 2, ठीक है, प्लस ये ए को ऊपर ले जाओ तो 3i और a का इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स इंटू आई जो है वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स के ही बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, ए माइनस का 2। अब 2 अकेला नंबर है, नंबर कभी भी अकेला नहीं हो सकता मैट्रिक्स वाले में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, प्लस का कितना, वापस से 3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ए इनवर्स तो चाहिए, ए इनवर्स चाहिए मतलब बाकी सबको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 3a इनवर्स इज इक्वल टू। जब 3a इनवर्स में रख रहा हूँ तो इन सभी को ट्रांसफर ही करूँगा, तो 2i जो है वो नेगेटिव है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2i, ये प्लस का है, ट्रांसफर होके क्या बनाएगा, माइनस का a बनाएगा, ठीक है। 3a इनवर्स इज इक्वल टू 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा, 1 0 0 1 होगा, माइनस का a, ये हमारा क्वेश्चन है, 2 3 माइनस 1 और 0 ये होगा। चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व, 3a इनवर्स इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 2, 0 से करेंगे 0, फिर से 0 और 2, यहाँ से 2 3 माइनस 1 और 0, ये किसके इक्वल चल रहा है, 3a इनवर्स के इक्वल चल रहा है। 2 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हुआ 0, 0 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3, 0 में से माइनस, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1, 2 में से 0 को माइनस करेंगे कितना होगा, ये 2 होगा। अब 3 को राइट साइड पर ले जाओ, 3 अगर राइट साइड पर जाएगा तो हमारा a इनवर्स क्या बना, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 0 माइनस का 3 1 एंड 2, ये होगा हमारा a इनवर्स, ठीक है। ये जो है वो इक्वेशन मेथड है कि इसमें पहले क्वेश्चन को वेरीफाई करने का भी बोलता है, और ये पिछले 4-5 साल के पेपरों में क्वेश्चन इस तरह के रिपीट भी हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वेशन मेथड में आपको इक्वेशन को जीरो के इक्वल में बताओ, और जैसे जीरो के इक्वल में आ जाता है फिर बोलता है कि ए इनवर्स निकालो। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके डाउट पूरे क्लियर ही हो जाएं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज हो गया बस। अब अगर क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं प्लस माइनस में, है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस 6 है, प्लस का 79, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर मतलब ए का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 3 माइनस 3 4, इसी का इससे करना है 2 3 माइनस 3 और 4, ठीक है। रो का किससे होगा, कॉलम से, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 2 से करेंगे
ये अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, 3 का 3 से करेंगे कितना, प्लस इन टू माइनस का 9। अगला इसी का सेकंड वाले से कर दो, तो 2 का 3 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 का 4 से करेंगे तो प्लस, ये हो गया 3 4 ज़ा माइनस का 12। 3 का 2 से करेंगे 6, और 3 का 2 के बाद 4 का 3 से करेंगे, 4 3 ज़ा 12, बीच में सिंबल क्या लगता है, प्लस। 3 का 3 से करेंगे माइनस का 9, प्लस 4 का 4 से करेंगे, 4 4 ज़ा 16। चलिए 4 प्लस माइनस 9 कितना बचा, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 12, माइनस का 18, 6 और 12 कितना हो गया, ये भी 18, माइनस का 6 माइनस का 9 प्लस का 16 कितना बचेगा आपके पास, तो यहाँ पर अगर हम माइनस का 9 कर दें तो कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। ठीक है, ये था हमारा a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर के बाद हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, और इस इक्वेशन में पुट करके हमको कितना निकालना है कि ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के ही बराबर आएगा। तो पहले मैं ए स्क्वायर का वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर, कि ए स्क्वायर हमारा कितना आया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 18, प्लस का 18 और 7, ये हमारे पास ए स्क्वायर आया है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस का 17 आई, ए स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस का 17 आई इज इक्वल टू 0 लेकर आना है। ए स्क्वायर वाले का वैल्यू क्या है आपके पास मैट्रिक्स में, माइनस का 5, माइनस का 18, प्लस का 18 और 7, ये है। माइनस का 6 से ए कितना 2, माइनस का 3, प्लस का 3 एंड 4, प्लस का 17, तो 17 आई में 10 एंड 01 इज इक्वल टू 0, हमें 0 के इक्वल बताना है। ये होगा माइनस का 5, माइनस का 18, प्लस का 18 और 7, माइनस 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा माइनस का 18, 6 3 ज़ा प्लस का 18 और 6 4 ज़ा 24, 17 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 0 0 और 17, ये हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू 0। चलो पहले पहले नंबर वाले को करते हैं माइनस, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 12, माइनस का 5, माइनस का 12 क्योंकि आगे सिंबल माइनस है, और प्लस का 17, प्लस का 17, इसी तरह से सेकंड माइनस का 18, माइनस का 18, ये माइनस देन माइनस, टोटल प्लस का 18 बना, प्लस का हो गया 0। नेक्स्ट है 18, माइनस का 18 और प्लस का 0, इसके बाद नेक्स्ट है 7, माइनस का 24 और प्लस का 17। चलिए इसको कट शॉर्ट वगैरह करके जीरो करते हैं। तो सबसे पहले माइनस 5 माइनस 12 माइनस का 17 और माइनस 17 प्लस का 17 से हो गया कैंसिल, कितना बचा 0। 18 से 18 ये भी कैंसिल, ये भी कितना हो गया 0। माइनस 18 प्लस 18 ये भी कैंसिल, ये भी 0। 17 प्लस 7 24 और 24 में से माइनस कर दें 24, कितना हो गया 0। तो यहाँ पर तो आ गया आपका 0 बराबर 0। क्वेश्चन आपका आधा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स और निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अभी आपने एक वर्किंग मेथड फॉलो किया था कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 6A प्लस का 17 आई इज इक्वल टू 0, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, ए से। क्या होगा ये ए स्क्वायर अपॉन में ए माइनस का 6A अपॉन में ए प्लस का 17 आई अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। अब ए से तो ए कैंसिल, ए बचेगा माइनस, ए से ए कैंसिल, 6 बचेगा प्लस का, ए ऊपर गया तो 17 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में
किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स वापस से रिपीट होकर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस का 6 के साथ हम आई लगा देते हैं क्योंकि 6 अकेला है, प्लस का 17 a inverse इज इक्वल टू 0। अब आपको ट्रांसफर करना है, 17 a inverse इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है, ट्रांसफर होगा प्लस का 6, प्लस का a ट्रांसफर होगा माइनस का a। 17 a inverse इज इक्वल टू 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, माइनस का a, a कितना 2 माइनस 3 3 एंड 4। चलिए पहले 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 17 a inverse इज इक्वल टू 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 0 0 6, माइनस का a 2 माइनस 3 3 एंड 4। ठीक है, 17 a inverse इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, पहले वाले में से पहले को माइनस करो, तो 6 माइनस 2 कितना बचा 4, 0 माइनस माइनस का 3 तो कितना हो गया, ये तो प्लस का 3 हो गया। अगला 0 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस का 3, 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। अब 17 को राइट साइड पर लेके चलते हैं, जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, यहाँ से 4 माइनस का 3 3 एंड 2। ठीक है, ये होगा हमारा a इनवर्स। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को कैसे प्रूफ करना है, 0 बनाना है, और इक्वेशन से हम कैसे a इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, इसके बाद फेसबुक और टेलीग्राम पर नोट्स के लिए भी हमको फॉलो कर सकते हैं, और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।